इसके लिए आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत सच में बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द शायद बहुत छोटा है, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं बहुत ही ज्यादा दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। और चलिए आज का सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो अभी बज रहा है सुबह के 7, मैं उठ चुकी हूँ और माता जी भी मुझे विश कर चुकी है क्योंकि आज डॉटर्स डे है। तो आप सबको वेरी वेरी हैप्पी डॉटर्स डे। मैं भी एक्सरसाइज कर रही हैं क्योंकि उनको अब एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है। आज संडे भी है तो मम्मी एकदम आराम से अपने बॉडी को पूरा 1 घंटा दे के अच्छे से एक्सरसाइज करेंगी, बिल्कुल उसमें उनको स्वेटिंग हो जाए अच्छी वाली। और आज हम एक बहुत अच्छा ब्लॉग बनाने वाले हैं क्योंकि आज हमारे चैनल को पूरा 1 साल भी हो चुका है। सो हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी टीचर्स ब्लॉग, क्योंकि इस चैनल ने हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी है तो हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं डॉटर्स डे के दिन। तो और हमारा जो फर्स्ट वीडियो थी वो भी डॉटर्स डे की ही थी। और आप लोगों को दिल से थैंक यू कि आप लोग हमारे जर्नी में बने रहे 1 साल तक हमारे साथ। आप लोगों को हमारी वीडियोस इतनी पसंद आए कि हम लोग इसको रेगुलर बनाना शुरू कर दिए हैं। हम आपका सपोर्ट ऐसे ही चाहते हैं कि आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट ऐसे ही देते रहेंगे। तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं चश्मा ढूंढ रही हूँ पूरे घर में, मुझे चश्मा मेरा नहीं मिल रहा है और अब मैं मम्मी से पूछने वाली एट दी एंड, क्योंकि जब चीज़ बच्चे को नहीं मिलती मम्मी को जरूर मिलता है, जब मम्मी को भी ना मिले तो वो चीज़ कभी मिली। मम्मी कहाँ है मेरा चश्मा, देखी हो क्या? छोटे वाले रूम में था कल, छोटे वाले रूम में मैंने कब रख दिया? बेटा चलते हैं हम छोटे वाले रूम में और देखते हैं, दिखाओ मैं आपको मैंने चश्मा कहाँ रखा है आज। यहाँ कौन चश्मा रखता है मुझे तो यही नहीं समझ में आया, मैंने यहाँ कैसे आया कैसे, इसको मैं पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ और यहाँ मिला है। एक तो बिना चाह रखो कि मेरा काम चलता नहीं है, मैं कल ये ढूंढ ढूंढ के पागल होगी। तो भाई मम्मियों को तो पता ही होता है, थोड़ा सा भी मेरे को तो दिख ही नहीं रहा था कि कहाँ गया चश्मा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज करने के बाद मैंने मशीन लगा ली सबसे पहले, क्योंकि संडे है तो मशीन तो लगेगी। वैसे तो मैंने शाम को सारे कपड़े धो लिए थे, बस अभी बेडशीट्स रह रही थी तो बस तब तक मैं और काम निपटा लूंगी फटाफट। बस चल चुकी मेरी मशीन, और जब तक मेरी मशीन लग गई है ना कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं और काम करने जा रही हूँ फटाफट। बन रहा है श्रेया के पसंद का, डॉटर्स डे है इसलिए श्रेया के पसंद का ही ब्रेकफास्ट बनेगा। तो यहाँ पे बन रहा है डोसा, सुबह सुबह ही डोसे की तैयारी हो चुकी है, फुली रोस्ट की हुई। तो ये हमारा डोसा बन रहा है। सो गाइस, दिन के बज रहे हैं 12 और मम्मी कुछ बना रही है स्पेशल आज, तो देखिए आप लोग मम्मी क्या बना रही है। मम्मा क्या बना रही हो? वाह, नाश्ते में बनाई हूँ डोसा और बैटर पड़ा था, बस उसी की फ्राइड ही बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर कोई गेस्ट आ रहा है। सर्वगुण संपन्न बैटर से इडली बना दी, वाह वाह। तो यहाँ पर श्रेया की फ्रेंड आ चुकी है और उसके लिए मैंने कोल्ड कॉफी बनाया है क्योंकि बच्चों को कोल्ड कॉफी पसंद आती है और दूध भी होता है उसमें, तो इसी बहाने दूध भी अंदर चला जाएगा बच्चों के। तो मैंने कोल्ड कॉफी बना दी और बहुत ही चाव से बच्चों ने पी है। यहाँ पर इडली भी हमारी रेडी है, फ्राई करके देख सकते हैं आप लोग, फ्राई इडली रेडी है और ये कॉफी। तो बस अब मैं ले जाऊंगी, इसको बंद करके रख देती हूँ। नजर उतार रही थी, मम्मी कह रही कि तुझे कितनी नजर लग गई है। सच में बहुत नजर लगती है मेरी बेटी को तो, बहुत ज्यादा। क्या करूं मैं, इतनी अच्छी हो तो आप ही बताओ क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो और बताओ मम्मी, शाम का प्लान बनने ही वाला है, पापा आएंगे तब बन रहा है प्लान। तब तक आप लोग जाओ अपने वैक्सीनेशन में। यस, हम लोग मैं और भाई जा रहे हैं वैक्सीनेशन कैंप लगवाने लोगों को, लेकिन आज मैं नहीं जा रही हूँ, कोई वीडियो नहीं बनने वाली है। आज मम्मी तैयार होंगी ना स्पेशली, आज का सेलिब्रेशन मम्मी अच्छे से तैयार होगी। आज है हैप्पी डॉटर्स डे और हमारे चैनल को भी 1 साल हो गया है तो डबल पार्टी होगी आज होगी। और आप लोगों का सच में इतना ज्यादा सपोर्ट मिला है कि मेरे चैनल के लिए मैं अभी अच्छे से आप लोगों का धन्यवाद दूंगी, ऐसे लेट के नहीं दूंगी, बहुत जोश से बहुत अच्छे से दूंगी। चलो बाय बाय, मैं सो रही थी जगा दी मुझे। चलो बाय, आराम से चलाएगा बेटा, भीड़ होती है राजगुरु मार्केट में। अरे हाँ, मेरी माँ।
ले, बिना पैसे के नहीं जाते कहीं भी बेटा, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हम ऐसे बच्चे दूसरों के बच्चे बोलते पैसे दे, हम ऐसे बच्चे बोलते हैं पैसे नहीं चाहिए। हाँ सही बात है। चलो बाय। चलो बेटा आराम से जाना। बाय बेटा, शाम को मिलते हैं। बाय बच्चे, अच्छे से वैक्सीन लगा के आना सबको। बाय। तो ये केक है ना, जो वो निशा रानी केक के यहाँ से आया है, जो कि सेक्टर 9-11 में रहती हैं और कस्टमाइज केक बहुत ही अच्छा बनाती हैं। आप लोग ज़रूर यहाँ से ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं भी तैयार होने जा रही हूँ, क्योंकि केक आ चुका है और बस अब ये भी ऑफिस से आते ही होंगे। 6 बज चुके हैं, तो बस अब हमारा सेलिब्रेशन होने ही वाला है। पार्टी के सेलिब्रेशन के लिए धीरे धीरे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये भी ऑफिस से आ गए हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज मैंने साड़ी नहीं पहनी है। आज मैंने कहा थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ, तो आज मैंने गाउन पहन लिया है। तो बस अब हम रेडी हो चुके हैं और अभी तक श्रेया का अता पता नहीं है, क्योंकि वो अभी नहीं आई है। वैक्सीन लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग आते जाते हैं ना, उतनों को लगाना पड़ता है। आप छोड़ के नहीं आ सकते, इसलिए उसके चक्कर में हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। पर कोई बात नहीं है, उससे मुझे डांटना पड़े इसलिए मैं रेडी हो गई, क्योंकि मैंने कहा तैयार नहीं होंगी तो मुझे डांट पड़ जाएगी, इसलिए मैं पहले ही रेडी हो गई हूँ। जब वो आएगी तब वो हो जाएगी। उसका जो एक टॉप पहनना है ना, उसको मैंने प्रेस करके रख दिया है, बस आते ही वो पहन लेगी फटाफट। एक बेटी तो आई नहीं है, लेकिन मेरी दूसरी बेटी आ चुकी है। हेलो, हैप्पी डॉटर्स डे बेटा। श्रेया के लिए भी, दोनों के लिए बेटा। अभी मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आप भी तो मेरी बेटी हो। श्रेया का वेट करते करते ये बेचारी बोर हो गई है। बोर होके अब क्या कर रही है? गेम खेलनी पड़ रही है। गेम खेल रही हो? हो अच्छा बेटा, खेल लो, बस आती होगी। मैं उसको फोन भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि अभी वो बिजी होगी। तो जब तक श्रेया नहीं आ रही है, तब तक मैं उसका फायदा उठा रही हूँ। और बस उस टाइम में मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। खुलना बहुत गंदे से लग रहे हैं, इसलिए मुझे नेल पेंट लगाना बहुत जरूरी हो गया है। ये आ गई, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब श्रेया आ चुकी है। आओ जल्दी से, केक भी रेडी है, पापा भी आ गए हैं और कामना भी आके कब से वेट कर रही है। तुम ये छोड़ो, जल्दी से तैयार हो। मेरा फिट कर दी? हाँ हाँ, फिट कर दी जल्दी। शॉर्ट्स निकाल दो प्लीज। हमारी कुड़ियाँ रेडी हो चुकी है और बस अब हम निकलने वाले हैं। अभी श्रेया के पिताश्री थोड़ा लेट कर रहे हैं। डॉटर्स डे टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। और ये कामना चॉकलेट लाइए हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। वाओ, क्या आप सब्सक्राइबर्स के लिए ये लेके आए हो? सबसे पहले तो आपके लिए थैंक यू बेटा। ओहो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। ये आप लोगों के सपोर्ट से ही हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। आज 1 ईयर कंप्लीट हो गया और मुझे पता नहीं था जब मैंने शुरू किया था कि 1 साल तक भी मैं कर पाऊंगी कि नहीं। दिन वो दिन भी आएगा जब 1 मिलियन का भी काटेंगे, है ना? गोल बटन, गोल बटन हमारे भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अपना काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इसलिए करो, लेकिन उस पे अधिकार करो। कोटा फैक्ट्री अभी देखा मैंने। कोटा फैक्ट्री यहाँ पे देखा, ज्यादा दूर नहीं है। वाह, थैंक यू बेटा। आप लोगों का सबका प्यार बना रहेगा तो वो दिन भी आएगा मेरी लाइफ में। ओहो, मेरे पतिदेव का मैच छूट रहा है और मैच उनका बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। मैं आते ही मैच देखते हैं, मैच और न्यूज बस। आज 1 ईयर का सेलिब्रेशन है, ये आप लोगों के साथ ही होगा, क्योंकि ये दिन आप लोगों के जो सपोर्ट से ही आया है और आप लोगों के सहयोग से ही आया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा हौसला ऐसे बढ़ाएंगे और मेरा साथ इसी तरह से देंगे। इसके लिए आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द शायद बहुत छोटा है। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं बहुत ही ज्यादा दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। और चलिए आज का सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ चलते हैं। तो आज 3 दिन सेलिब्रेशन एक साथ हो रहा है। एक तो मेरे चैनल को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और दूसरा डॉटर्स डे है और तीसरा भी कुछ है जो कि सीक्रेट है, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों ऑर्डर कर चुकी हैं, उसके बाद फोटोशूट के लिए यहाँ आ गई। तो यहाँ पर आज हम दोनों मैचिंग हो रहे हैं।
आज आप लोगों के वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन पे हमने हैप्पी टीचर ब्लॉग का स्टार्ट किया था। तो जी हाँ, तीसरा सेलिब्रेशन, मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो बस उसी का सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है। तो 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और 1K भी कंप्लीट हो गया है मेरे चैनल का, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी मेरे कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिलेगा मुझे। तो बस यहाँ पर देखिए केक कटिंग हो गई है। सबसे पहले श्रेया को खिला दिया क्योंकि डॉटर्स डे है आज, और हमारी दूसरी बिटिया कामना को भी खिला रहे हैं, और आप लोगों को भी देखिए श्रेया खिला रही है साथ में। मम्मी ने हमारी ट्रीट दी है हम लोगों के लिए अपने 1 सब्सक्राइबर्स पे, और डॉटर्स डे नहीं है, डॉटर्स डे के लिए भी, तो हम पेट पूजा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे हो चुके थे एकदम खुश क्योंकि उनको उनके मन पसंद की ट्रीट जो मिल चुकी थी मेरी तरफ से, तो बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चे। ये हमारा सेलिब्रेशन हो गया है और अब हम जा रहे हैं। लोगों को केक भी नहीं खिला पाए क्योंकि यहाँ पे चल रहा था म्यूज़िक और कॉपीराइट आ जाता जैसा कि आप सब लोगों को पता है, तो इसलिए अब घर पहुँचते हैं फिर आप लोगों को केक खिलाते हैं। के असली हकदार तो आप ही लोग हो। तो जितनी भी गर्ल्स मेरे चैनल को देख रही हैं उन सबको मेरा ढेर सारा प्यार। हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल माई लवली गर्ल्स। केक हमारा फिर से रेडी हो गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे आ रहा था कॉपीराइट तो कुछ नहीं बोल पाए हम। आ जाओ। हैप्पी, मेरी लाइफ में ये दिन आप सब लोगों की वजह से आया है। 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, और इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू, क्योंकि मुझे कभी नहीं लग रहा था कि वाकई में आप लोग इतना मुझे प्यार दोगे, और YouTube पर आकर सच में मुझे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मेरी, पहले तो मैं बहुत कम वीडियो बनाती थी लेकिन अब मेरा मन करता है मैं रोज़ वीडियो बनाने लगूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलता जा रहा है तो मेरा हौसला बढ़ता जा रहा है। आप लोग प्लीज़ इसी तरह से मेरी इस लाइफ में, यूट्यूब की लाइफ में आप लोग मेरा साथ ऐसे ही दीजिएगा और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। इस केक पे भी हैप्पी टीचर व्लॉग्स लिखा हुआ है, तो बस आप कार्ड देखती हूँ। और ये केक ना आप लोग रह गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा गाना चल रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं खिला पाई। तो सबसे पहले इस केक के हकदार आप लोग हैं, लीजिए। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी टू आवर चैनल। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, हमारे कंटेंट को इतना प्यार दिया, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करा कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट करा कीजिए, और हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो बस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।